चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो नाइन्थ क्लास में चैप्टर आप लोगों ने पढ़े थे, क्या उनका लिंक टेंथ क्लास में है? ये मैंने आपके सामने सब कुछ लिखे हैं चैप्टर्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन चैप्टर के नंबर के साथ जो लिखे हैं, नाइन चैप्टर जो नाइन्थ क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा हायर लेवल से सेम चैप्टर आप इस साल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर जो आप दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे, जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, जिसमें से एपी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल, ये चैप्टर आप बिल्कुल फ्रेश पढ़ेंगे। रही बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 है, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं पॉलीनोमियल के अंदर। नाइन्थ क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें मिडिल टर्म स्टडी का आप लोगों को करनी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा चैप्टर सेम आप इसमें पढ़ेंगे विद वर्ड प्रॉब्लम के साथ, और दूसरे मेथड भी पढ़ेंगे आप मिडिल टर्म स्टडी के बाद, ठीक है जी। तो ये चैप्टर है नाइन्थ क्लास के, ये चैप्टर है टेंथ क्लास के, जो एक दूसरे से डायरेक्ट लिंक करते हैं, और ये है वो चैप्टर जो आप इस साल बिल्कुल नए पढ़े हुए हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, जो कि पॉलीनोमियल है इस साल का। नाइन्थ क्लास में जो आप लोगों ने जीरोस के बारे में पढ़ा था, जीरोस, ठीक है, ये वर्ड पहली बार तो नहीं सुना यार, पहले सुन चुके हैं, और ये वर्ड पॉलीनोमियल चैप्टर में यूज किया जाता है, जीरो सिंगल जीरोस प्लूरल बना गया। क्या होते हैं जीरोस? ये सुन जो पूरे पॉलीनोमियल को जीरो बना देते हैं उसको जीरोस बोलते हैं, ठीक है ना। हर जीरोस की, चाहे वो लीनियर में हो चाहे वो क्वाड्रेटिक में हो, दो तरह से प्रेजेंटेशन होती है उसकी, या अप्रोच बोल लीजिए, ठीक है। एक अलजेब्रिक होती है, जो कि क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर मिलेगा वो क्वेश्चन, और एक होती है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि ग्राफ की फॉर्म में मिलेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, मैं आपसे इसके जीरो सवाल करना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे? इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, और इसके जो आंसर आएंगे वो आप बता दोगे ये इसके जीरो है। बट अगर मैं आपको यही इस पॉलीनोमियल का ग्राफ बना दूं, कुछ ये बन गया या ये बन गया, तो मैं आपसे कहूँ इसके जीरो क्या होंगे, कितने जीरो होंगे, क्या होंगे, एक अलग सवाल, कितने होंगे एक अलग सवाल। तो हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कितने की बात करेंगे, कितने हैं, क्या क्या है, ये बात नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह के जो फॉर्म बनती है, इसका मुंह किधर की तरफ खुला हुआ है, ऊपर की ओर खुला हुआ है, अपवर्ड, ये डाउनवर्ड की तरफ खुला हुआ है। इस पर पूरा एक चैप्टर है 11th क्लास में, इस फिगर को बोलते हैं पैराबोला, और जो पैराबोला होता है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दीजिए, उसका ग्राफ होता है। ये बात समझ आई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। क्वाड्रेटिक इसका ग्राफ क्या बनता है? पैराबोला, ठीक है। पैराबोला चार तरह के होते हैं, ठीक है, चार अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। बट आप के लिए ये दो बातें याद रखनी जरूरी है, वो वाई के लिए बनता है, ये एक्स के लिए बनता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि पॉलीनोमियल ले लिए y इक्वल टू पी एक्स, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बना हुआ है लिखिएगा, p का मतलब पॉलीनोमियल, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ऑफ, और x तो है, ठीक है, पॉलीनोमियल फोर या ऑफ x, P of x
यानी एक्स एक्सिस के लिए देखना है आपको। तो आप ये देखिए जो ग्राफ बना हुआ है, चाहे वो ग्राफ कैसा ही क्यों ना हो, एक्स एक्सिस को कितनी जगह वो इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, ये देखना है आप लोगों को। ठीक है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है, वन पॉइंट पर, ये कितनी जगह पर कर रहा है, वन पॉइंट पर। तो इसके कितने जीरोस हुए, वन, इसके कितने हुए, वन। मैंने क्या बोला था, हम यहां बात करेंगे ग्राफ के अंदर कितने, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन ग्राफ। ठीक है, यहां कितनी जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, एक दो थ्री, वन टू थ्री, ठीक है, थ्री पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, तो इसके कितने जीरोस हुए, तीन। यहां बताइए एक्सिस को, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो क्या लिखेंगे हम, जीरो नहीं लिखेंगे कभी, जीरो एक वैल्यू होती है, नो जीरोस, क्या लिखेंगे, नो जीरोस, इसका कोई आंसर नहीं है, नो जीरोस, इसके थ्री जीरोस, इसके वन जीरो, और इसके इसका भी वन जीरो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि पैराबोला बताओ कौन से इक्वेशन का होता है ग्राफ, तो आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक का। अब मैं आपसे पूछूं क्वाड्रेटिक का कौन सा ग्राफ बनता है, पैराबोला बनता है, तो दोनों ही अप्रोच आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ध्यान से देख सकते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ गिवन है। बस आपको एक बात का और ध्यान देना है, अगर आपको ये दे रखा है सपोज x इक्वल टू पी ऑफ y, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉलीनोमियल y के लिए होगा, है ना, जैसे यहां पर x नजर आ रहा है, यहां पर y होगा, y स्क्वायर प्लस फोर y प्लस फोर, इसकी जगह y बना दो सब जगह y y, तो आपको फिर देखना होगा y एक्सिस को। ठीक है, ब्रैकेट से ही पता चल जाएगा कि हमें किस पर नजर रखनी है, एक्सिस पर रखनी है या y एक्सिस पर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ध्यान से देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको पहला ग्राफ जो दे रखा है ये दे रखा है जो मैंने बना रखा है। ठीक है, सेकंड के अंदर कितने जीरोस हैं, अच्छा ऊपर आपने पढ़ा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, ये बोला है, तो इससे क्या पता चला, x एक्सिस को हमें देखना है। ठीक है, फॉर सम पॉलीनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच केसेस। ठीक है, ध्यान से देखिए, सेकेंड एक्सिस सेकेंड पार्ट में वन, थर्ड पार्ट में ध्यान से देखिए थ्री पॉइंट पर, किस पे है, थ्री है भाई, थ्री है। आप देखिए वन आपके राइट साइड पर जो ये ग्राफ आ रहा है, दो दो जगह कट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट फोर, नेक्स्ट थ्री। ठीक है, बुक में मत बनाना, मतलब बुक में कुछ लिखना मत, आपको क्लियर होगी ना, जीरो से सारे निकाले जाते हैं। ठीक है, और बुक दिखाइए, थोड़ा सा ये जो पैराग्राफ दे रखे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा इस पर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कर लेगा, क्योंकि एमसीक्यू जो है इस साल ऐसे ऐसे पैराग्राफ में से पूछे जाएंगे कि जो हम अक्सर जो है ना अवॉइड कर दिया करते हैं, पढ़ते नहीं उसको। तो पेज नंबर 22 पर जो है लास्ट पैरा जो कि 23 तक जा रहा है, ठीक है जी, अच्छे से रीड आउट करना है आप लोग। इसमें एक चीज दी गई है कि a is greater than 0 और a is less than 0, what does it mean,
पैराबोला जो बनता है, ये जो ग्राफ बनता है, देखिए ये पूरे बुक के अंदर ये सिर्फ यही पे बात की जाएगी इसकी और फिर खत्म। बट 11th क्लास में ये पूरा चैप्टर का टॉपिक है। तो ये ए क्या है, ये ए से पता चला अगर ए जीरो से बड़ा है जो इसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है, अगर ए जीरो से बड़ा है तो इसका जो मुंह खुलेगा अब फट के ग्राफ खुलेगा, ठीक है, और अगर ये जीरो से छोटा है नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा, ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, ये नीचे की ओर ओपन होगा। वो पैराबोला नहीं, वो जनरल ग्राफ है, एक कर्व है, इसको हम बड़ी क्लास में कर्व बोलते हैं। लास्ट वाली फिगर देख रहे हैं आप, वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन दो अलग अलग फंक्शन की बनती है, या तो वो कॉन्स्टेंट फंक्शन की बनती है, ये फंक्शन का जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना यही पॉलीनोमियल। अगर आप पिछली क्लास में जाऊं 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से आपने चैप्टर पढ़ा था, फिर आप हायर क्लास में आए ये पॉलीनोमियल बन गया, और हायर क्लास में जाएंगे ये फंक्शन बन जाएगा। हे चीज वही, उसको अलग अलग क्लास के हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। ये भी पैराबोला है, तो पैराबोला तो क्वाड्रेटिक को कहते हैं। हाँ, हो सकता है वो यहाँ भी टच करो, यहाँ भी टच करो, ये पैराबोला, ये भी पैराबोला। इसकी एक्सिस, इसकी एक्सिस डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा एक्सिस क्या होती है। इसकी एक्सिस जो ओरिजिन पर टच करेगी उसको उसका आंसर ए क्या आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम